यम से साक्षात्कार और उसका व्यवहार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सा स्वानुभूति सार तथा स्वानुभूति सार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम इस कड़ी में चलते हैं और देखते हैं कि प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर क्या कहते हैं कि अगर गलतियां होंगी इन सिंसेरिटी की वजह से तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें यथार्थ बुद्धि चाहिए प्रॉपर इंटेलेक्ट चाहिए। अब ये जो एसरटेनिंग फैकल्टी है हमारी विच इज इंटेलेक्ट यानी बुद्धि ये एसरटेनिंग फैकल्टी में अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो जो गलती है इन सिंसेरिटी की वजह से आई है वो सुधरेगी नहीं। तो ये बुद्धि के ऊपर देखते हैं बाबा ठाकुर क्या कहते हैं। एक प्रवचन का अंश सुनते हैं बाबा ठाकुर का जो बुद्धि के ऊपर है। बिल्कुल सुधरने के लिए हमारी चाहिए क्या आसुरी बुद्धि चाहिए जो बुद्धि हमको विचार करके बताएगा जी ऐसे ठीक है ऐसे ठीक नहीं है वो डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी कहते हैं बुद्धि को एसरटेनिंग फैकल्टी डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी हुई एसरटेन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। प्रज्ञान स्वरूप का स्वभाव है विज्ञान विज्ञान स्वरूप का स्वभाव है ज्ञानाभास यानी जिसको हम ज्ञान समझ के चलते हैं और ज्ञानाभास का आभास है अज्ञान यानी जो बाहर जीव जगत स्थूल जगत हमें दिखता है। प्रज्ञान है विशुद्ध ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान इसलिए गुण और भाव विवर्जित है। सारा जीव जगत सारे जीवन जो हम जीते हैं ये गुण और भाव का खेल है। अलग अलग भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और हमारे अंदर जिस किस्म से गुण फंक्शन कर रहे हैं सात्विक राजसिक तामसिक उन गुणों के हिसाब से हम उस भाव को एक्शन में लाते हैं उस भाव के हिसाब से काम करते हैं। तो गुण और भाव विवर्जित है प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान जो विशुद्ध ज्ञान है। विज्ञान है शुद्ध सत्व इसलिए शुद्ध सत्व गुण और भाव युक्त है। सात्विक राजसिक तामसिक ये तीनों गुण जगत में खेलते हैं किसी में कोई गुण ज्यादा किसी में कोई गुण कम किसी में हर किस्म का मिक्सचर। तो जितने करोड़ों अरबों इंसान हैं जीव जगत में जंतु जानवर हर चीज ये गुणों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं लेकिन ईश्वर जो है वो इन तीनों गुणों के अतीत हैं। प्रज्ञान पुरुष श्री बाबा ठाकुर कहते हैं कि सात्विक राजसिक तामसिक गुणों की स्थिति में हमेशा ये गुण एक दूसरे के साथ होते हैं। चाहे कितनी भी ज्यादा सात्विक गुण हो किसी में राजसिक और तामसिक गुण रहेंगे जरूर जब तक वो सात्विक गुण की परिधि सर्कमफ्रेंस पेरिमीटर को पार करके बढ़ नहीं जाता है शुद्ध सात्विक गुणों में। शुद्ध सात्विक है ईश्वरीय घर हमारे ही अंदर एक है बाहरी जगत एक है हमारा अंतर जगत जो हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव के भी अंदर केंद्र में है ईश्वरीय जगत हमारे ही अंदर है लेकिन हम इससे नावाकिफ हैं। वाकिफ होने के लिए कोई एक ऐसा विरला महापुरुष मिलना चाहिए जो हमें इस सारी चीजों से वाकिफ करवा दे कि हम असल में हैं क्या। हम स्वयं से साक्षात्कार कर रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत ये स्वयं बाहर क्या है अंतर में क्या है केंद्र में क्या है और तूर्य में ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ये मैं क्या हूं ट्रांसेंडेंटल आई क्या है यूनिवर्सल आई क्या है इंडिविजुअल आई क्या है एंड ये जो जीव जगत है ये ग्रॉस जो वर्ल्ड है ये क्या है। ये हर चीज का हमें ज्ञान मिलता है एक ऐसे महापुरुष से जो इस ज्ञान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं। तो वो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञानाभास है त्रिगुण और भाव युक्त यानी हम सब त्रिगुण के लेवल पे तीनों गुण को ऊपर नीचे
तीनों गुण जैसे चलते हैं उस हिसाब से हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम ज्ञानाभास ज्ञान के आभास में जी रहे हैं। ज्ञान ज्ञानाभास है त्रिगुण और भावयुक्त, एवं अज्ञान है वह त्रिगुण और भाव जो विशेष रूप से तमो और रजोगुण प्रधान प्रकृति को ही निर्देशित करता है। ये जो बाहरी जगत है अज्ञान का जगत जो अभी बताया गया, ये अज्ञान का जगत, इसमें सात्विक गुणों का खेल ना के बराबर है, रजोगुण और तमोगुण इन गुणों का खेल सबसे ज्यादा है। तो कहते हैं कि ये तमो और रजोगुण प्रधान प्रकृति को ही निर्देशित करता है, प्रकृति का वो भाग जो तमो और रजोगुण प्रधान है उसी को निर्देशित करता है। तो ये जैसे जैसे हम अपने अंदर चलते चलेंगे, अपने अंदर प्रवेश करेंगे स्वयं के अंदर, तो कुछ वाणी ऐसी सुनने को मिलेगी हमें प्रज्ञान पुरुष से, जिस वाणी के साथ हमारा परिचय शायद उतना नहीं है, लेकिन ये परिचय करने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। With patience we have to move, we have to just listen, सिर्फ हमें सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो ये सुनने की प्रक्रिया का पहला कदम है patience, क्योंकि हम ऐसी चीज सुनेंगे, बहुत लोग ऐसे सुन रहे होंगे जिन्होंने पहले इस ज्ञान के बारे में शायद सुना ना हो, इसलिए अजीब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, सुनते रहें, इससे आगे बढ़ते चलेंगे हम आगे। और क्या कहते हैं, एक ऐसी अवस्था का विवरण, ऐसी सिचुएशन का विवरण कर रहे हैं जो सिचुएशन है जगत में इस वक्त। कह रहे हैं, ज्ञान का उपदेश और ज्ञान की बातें सुनकर तमोगुणी लोग, अज्ञानी लोग विक्षुब्ध होते हैं, रजोगुणी लोग स्वार्थ सिद्धि के अनुकूल अंशों को ग्रहण कर बाकी छोड़ देते हैं, अर्थात वे कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। रजोगुणी लोग बहुत कर्म की तरफ, मेटीरियलिज्म की तरफ उद्यत होते हैं, तो उस मेटीरियलिज्म के फंक्शन के लिए, उस मेटीरियलिज्म की तरफ जाने के लिए जितना प्रयोजन है ग्रहण कर लेते हैं, और जो प्रयोजन नहीं है वो छोड़ देते हैं। यही बात कही जा रही है। इसलिए वे तर्क करते हैं, लेकिन सत्वगुणी मनुष्य गुण का उपदेश सुनकर मुस्कुराते हैं और आनंद पाते हैं, और शुद्ध सत्वगुणी लोग ज्ञान का उपदेश सुनकर आत्म प्रसाद लाभ करते हैं। आत्म प्रसाद यानी अपना स्वयं जो स्वरूप है, उस स्वरूप का आनंद लाभ करते हैं। सत्वगुणी लोग जो सात्विक गुण वाले हैं, वो इस ज्ञान का उपदेश सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद जो उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये सत्वगुणी लोगों के लक्षण हैं। राजसिक गुणी लोगों के लक्षण हैं कुछ ग्रहण कर लेना, कुछ छोड़ देना, और तमोगुणी लोगों के लक्षण हैं विक्षुब्ध होना, ये बेकार है, ये क्या चीज है। तो देखिए, साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट, परम ज्ञानी हर चीज को ओपन करके सामने रख देता है, एकदम ओपन करके, हर विज्ञान को, हर मूवमेंट को, हर मनुष्य का जो भी मूवमेंट है, जो भी उसकी स्थिति है, वो रिजेक्ट किसी चीज को नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिवील कर रहा है। ही इज ओनली अ रिवीलर, अवभासक है वो। सो जो रिवीलर है वो रिवील्ड हर चीज से अलग है। जो भी रोशनी हमारे कमरे में आती है, वो रोशनी जो है कमरे के अंदर हर वस्तु को रिवील करती है, लेकिन वस्तु से अलग है। अगर कोई वस्तु है नहीं, एब्सेंस को भी रिवील करेगी, और सारी वस्तुएं हैं, प्रेजेंस, उसको भी रिवील करेगी। पार्ट है, पार्ट नहीं है, हर चीज को रिवील करती है, लेकिन उसका किसी चीज से संपर्क नहीं है। यही हाल प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का है। वो हर चीज को रिवील करके दे देते हैं। हमारी समझने में कहीं कमजोरी रह जाए, गलती रह जाए, तो हम गलत मतलब निकाल लेंगे, क्योंकि इस परम ज्ञान के साथ हम वाकिफ नहीं है। ये न वाकफियत की वजह से हम कभी कभी इसे रिजेक्ट कर देते हैं। भले ही समझने के बाद ना अपनाएं, वो एक दूसरी चीज है, वो कभी हिसाब नहीं लेंगे कि क्यों नहीं अपनाया, लेकिन वो जो प्रेजेंट करेंगे दैट विल कवर ऑल। एक बार और एक दूसरे एंगल से बाबा ठाकुर यही अज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को
कैसे कह रहे हैं सुनते हैं। अज्ञान का मैं यानी अज्ञानी, अज्ञानी के पास अज्ञान सत्य है, ज्ञान है कल्पना, विज्ञान कल्पना के भी अतीत, एवं प्रज्ञान है अस्तित्व विहीन मिथ्या। देखिए, जिसकी जो स्थिति है, जो स्टेट है, सिर्फ उसकी वर्णना है। जो आदमी कंप्लीट एंड टोटल मेटीरियलिज्म आउटर वर्ल्ड में, यानी जहां पे सिर्फ स्थूल ग्रॉस चीजों के साथ डील करता है, सिर्फ इस ग्रॉसनेस का नेचर क्या है, ग्रॉसनेस करता क्या है, अज्ञान का मैं, उसके पास अज्ञान सत्य है, वही सत्य है, वो ग्रॉसनेस ही सत्य है। ज्ञान है कल्पना, विज्ञान कल्पना के भी अतीत है, और प्रज्ञान है अस्तित्व विहीन मिथ्या। आगे बढ़े, ज्ञानाभास का मैं यानी जो साधारण जीव है, ज्ञानाभास की जिंदगी जी रहा है, ऐसे इंसान के पास अज्ञान है आधार, बेस। ज्ञेय और भोग्य, जानने की चीज और भोगने की चीज, यानी इस्तेमाल करने की चीज, अ थिंग ऑफ यूज। ज्ञानाभास है सत्य, क्योंकि वो ज्ञानाभास में ही जी रहा है, उसको ज्ञान का जो आभास है वही सत्य दिखता है। विज्ञान है साध्य, यानी विज्ञान को वो साधता है, ही वॉन्ट्स इट, ही डिजायर्स इट, साध्य है, ही वॉन्ट्स टू रीच इट। और कल्पित है, यानी इट इज एन इमेजिनेशन, बिकॉज वो विज्ञान के स्तर के बारे में एक इमेजिन कर रहा है, वो विज्ञान के स्तर पे पहुंचा नहीं है। एवं प्रज्ञान है कल्पनातीत दुर्बोध्य, वो कल्पनातीत है, दुर्बोध्य है। आगे और कहते हैं, विज्ञान के मैं के पास अज्ञान और ज्ञानाभास है कल्पना। देखिए, जस्ट ऑपोजिट हो गया, अज्ञान और ज्ञानाभास कल्पना हो गया विज्ञान के मैं के पास, तथा मिथ्या। कल्पना तथा मिथ्या, विज्ञान है सत्य एवं प्रज्ञान है सर्वोत्तम साध्य। प्रज्ञान के ऊपर और कुछ नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है वो सर्वोत्तम साध्य है। किसका? जो विज्ञान का मैं है, द यूनिवर्सल आई। प्रज्ञान के मैं के पास अज्ञान ज्ञानाभास और विज्ञान है अवांतर, एवं प्रज्ञान है सर्व तत्व सार, परम तत्व स्वरूप अर्थात नित्याद्वैत सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा पुरुषोत्तम स्वानुभव देव स्वयं पक्का मैं। जिस मैं के बारे में इस प्रोग्राम में हम विस्तृत रूप से प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी के अनुसार चर्चा कर रहे हैं, तो वो पक्का मैं हमारे ही अंदर मौजूद है, और उसी पक्का मैं के संधान में हम आगे बढ़े हैं। इस संदर्भ में एक बात और कहनी पड़ेगी, बाबा ठाकुर ये भी कहते हैं कि तुम तो पक्का मैं हो, तुम इसका क्या अनुसंधान करोगे। लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हम पक्का मैं अपने आप को समझ के मान के जीने के आदि नहीं है। हम अपने आप को हमेशा सीमित मानते हैं, कुछ हमें आता है कुछ हमें नहीं आता है। इस सीमित जिंदगी को जब जीते हैं तो हम जीते हैं ज्ञानाभास की जिंदगी, अज्ञान का व्यवहार करते हैं, ज्ञानाभास का जीवन जीते हैं, और विज्ञान को कल्पना करते हैं, द यूनिवर्सल आई यानी ईश्वर की एक कल्पना करते हैं हम, इमेजिनरी गॉड समवेयर इन द स्काई, ये हमारी एक कल्पना होती है। और प्रज्ञान तो कल्पनातीत चीज है, अनटिल एंड अनलेस वी लिसन, हमें कुछ सुनने को मिलता है इस प्रज्ञान के बारे में प्रज्ञान पुरुष से, जो इस प्रज्ञान पुरुष पुर में वास करते हैं। अज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, इस कड़ी में हमने देखा कि अज्ञान से प्रज्ञान तक ये जो सफर है, यही जीवन का यथार्थ सफर है। ये सफर अगर कोई भी जीवन पूरा कर सके तो वो यथार्थ जीवन बन जाता है, ब्रह्म ज्ञान उसके अंदर उदित हो जाएगा, जैसे ही अज्ञान से प्रज्ञान तक का सफर पूरा हो जाएगा।
सत्य ज्ञान आनंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं सत्य सर्वबोध के अधिष्ठान सर्वबुद्धि के साक्षी परम सर्वबोध के अधिष्ठान सर्वबुद्धि के साक्षी परम सत्य ज्ञान आनंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं भावातीत सर्वसम भेदातीत द्वंद्वातीत भावातीत सर्वसम सच्चिदानंद भूमा गुरु स्वयं मे स्वयं पूर्ण सच्चिदानंद 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 भूमा गुरु स्वयं मे स्वयं पूर्ण सत्य ज्ञान आनंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं अनादि आदि स्वबोध में मगन स्वतः स्फूर्त स्वतः सिद्ध स्वबोध में मगन स्वसंवेद्य स्वानुभव स्वस्वरूप आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सनातन सत्य ज्ञान आनंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं ये और वो हम और तुम भेद स्वबोध में स्वयं सिद्ध स्वबोध गुरु अनुपम सत्य ज्ञान आनंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं सर्वबोध के अधिष्ठान सर्वबुद्धि के साक्षी